जी, सर्दी आ जाए वे। मैं तो कभी मिक्स नहीं की है। मैं पीछे वैसे निकाल देती हूँ। मैं तो वैसे निकाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। और इस वक्त जो है ना, जो ये वीडियो बना रही हूँ, ये मैं शबरात वाले दिन की वीडियो बना रही हूँ। और जब शबरात आती है तो बंदे जो है ना, बहुत सी बचपन की यादें आ जाती हैं कि रमज़ान से पहले जो 15 दिन पहले जब शबरात का रोज़ा जो होता था, वो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही रखते थे जैसे बंदा रमज़ान के रोज़े रखता होता है। बाकायदा अफ्तारी बनती होती थी और हमारे अटक में तो बाकायदा जो होता था ना, हम लोग विसल से रोज़ा खोलते हैं ना, तो वहाँ पे तो हम बाकायदा विसल होता था शबरात वाले रोज़े का, मतलब बिल्कुल रमज़ान वाला जो होता था वो सिमा होता था। तो बचपन की बहुत सी यादें होती हैं जो इंसान के जहन में चल रही होती हैं। जब भी कोई ऐसा मौका आता है, कोई इवेंट आता है, तो साथ साथ जो होता है बचपन की यादें भी चल रही होती हैं। इंसान को पता नहीं होता है कि मेरा बचपन जो है वो कितने कम अरसे के लिए है। तो मेरा मज़ेदार सा यम्मी से ये देखे चाट तैयार हो गया है। और आज हमारे घर मेहमान भी आए हुए हैं। मेहमान कौन आया? जईद के भाई और भतीजे आई हुई है। और ये मैं आज आप लोगों को चापर का भी साथ साथ रिव्यू दूंगी। और उनके लिए मैं बना रही हूँ बिरयानी। चाट मैंने बना के रख दिया और मैं दिल उनके लिए बिरयानी बनाऊँ। वो लोग शॉपिंग के लिए गई हूँ मैं बाज़ार, तो वो जब आएंगे तो इंशाल्लाह तब तक मेरी बिरयानी तैयार हुई होगी। चॉपर वैसे तो अच्छा है, लेकिन जो मज़ा उस डोरी वाले चॉपर का था उस तरह का ये नहीं है, क्योंकि सही बारीक मिक्स नहीं कर रहा था और लहसुन तो बिल्कुल उसने मिक्स ही नहीं किया है। तो फिर वो जो है ना, मैंने बीच में से निकाल के दोबारा से उसको पीस के इसमें डाला है। और हो मे बी के अभी जो है ना नया है, तो हो सकता है कि मैं यूज़ करूँ तो यूज़ करने के साथ मुझे जो है ना पता चल जाए कि इसे किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि नई चीज़ का जो होता है ना, बंदे को पता भी नहीं चलता है ना कि उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो इधर मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, और लेकिन मैं बहुत लेट हो गई थी क्योंकि रोज़ा भी खुलना था और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि टाइम इतनी जल्दी से गुजर जाएगा। तो फिर मैं आप लोग सब प्रॉपर रेसिपी नहीं शेयर कर सकी, नहीं तो आज जो रेसिपी थी वो शेयर करने वाली थी। आज मैंने बिरयानी थोड़ी सी जो है ना डिफरेंट स्टाइल में बनाई है, कराची स्टाइल में बनाई कि कराची की बिरयानी कैसी होती है। लेकिन ये है कि मैं आप लोग सब रेसिपी शेयर नहीं कर सकी कि मैं लेट हो गई थी। तो इंशाल्लाह फिर कभी जो है ना आप लोगों के साथ मैं ये वाली बिरयानी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी बिरयानी जो थी वो बहुत मज़ेदार सी बनी थी।
मेरा हाथ थोड़ा खुला है तो फिर मैं चीज़ भी जो है ना वो खुली बना लेती हूँ। मैंने इतनी ज़्यादा बिरयानी बना ली थी, फिर मैंने भाभी और भाई को भी बना लिया था। और ये अभी नेक्स्ट डे है और हम लोग जा रहे हैं गाँव क्यों जा रहे हैं कि मौसम जो आया हुआ है पौधों का, पौधे लगाने का मौसम आया हुआ है। और जहीद को काफ़ी अरसे से बहुत शौक था कि मैं गाँव में पौधे लगाऊँ, लेकिन ये कि बस मौका ही ऐसा नहीं आया कि हम वहाँ जाके पौधे लगाएं। तो बस इस दफ़ा जो है ना हम लोगों ने हिम्मत करके पौधे ले गए हैं और यहाँ पे हम लोग अब पौधे लगा रहे हैं। तो हम लोग तो जो है ना अपनी तरफ से बहुत सारे पौधे लेके गए थे, लेकिन अभी भी काफ़ी जगह है, तो साथ साथ फिर इंशाल्लाह जो है ना थोड़े थोड़े ले के जाया करेंगे और लगाया करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ना आपको पता है कि पौधे लगाने का जो है ना स्वाद भी बहुत ज़्यादा होता है। और अभी यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट होने लगी है और अभी मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।